वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम महेश मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, वायरोलॉजी हमारी चल रही थी, आज का हमारा टॉपिक है पिकोरोना वायरस। ठीक है, पिकोरोना वायरस हम यहाँ पर पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उसका ओवरव्यू लेंगे कि पिकोरोना वायरस आखिर है क्या, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली है गाइज पिकोरोना वायरिडी, आपने पढ़ा होगा 11th 12th में बायोलॉजी में, फैमिली जेनरा। ठीक, तो फैमिली जो होता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है पिकोरोना वायरस, तो पिकोरोना वायरिडी। अब फैमिली हो गया, अब फैमिली के नीचे सब कैटेगरी आती है जेनेरा। क्या आती है? जेनेरा। ठीक है, तो पिकोरोना वायरिडी फैमिली में कौन कौन से जेनेरा होंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस पिकोरोना वायरस का पूरा ओवरव्यू हम लेंगे। एक बड़ा कंसेप्ट है पिकोरोना वायरस। पिकोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये बात ध्यान रखना। पिकोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे वायरसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इवॉल्व होंगे, तो उन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम ओवरव्यू लेंगे कि पिकोरोना वायरस के अंदर कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से जेनेरा होते हैं, फैमिलीज कौन क्या है। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो गाइस, हम बात करें पिकोरोना वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिकोरोना वायरस के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, आरएनए वायरस होता है। लेकिन आरएनए वायरस तो ये है, लेकिन एक पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस, सबसे छोटा आरएनए वायरस। जब क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस क्या है, तो आपको आंसर देना है पिकोरोना वायरस। क्लियर? ठीक है, इसकी साइज पूछ लेते हैं कभी कभी। इसकी साइज कितनी होती है? 27 से 30 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, 27 से 30 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, ये जो सिमेट्री दिख रही है आपको, ये जो सिमेट्री है ये कैसी है? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होगी। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है पॉजिटिव स्ट्रैंडेड का। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। क्लियर? इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं? VP1, VP2, VP3 एंड VP4। ये सारे क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ये नॉन इनवॉल्व्ड वायरस होता है। इनवॉल्व्ड क्या होता है? हमने बताया था इनवॉल्व्ड क्या होता है। सपोज ये वायरस है, अब इनवॉल्व्ड क्या होता है? एक लिपिड स्ट्रक्चर होती है जो वायरस के चारों तरफ होती है, वो इस वायरस को लिपिड सोल्युबल बनाती है। ये क्या है? इनवॉल्व्ड। ठीक है, और ये ब्लैक ब्लैक वाला क्या है? वायरस। ठीक है, लेकिन पिकोरोना वायरस में क्या होता है? ये इनवॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, इनवॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, लिपिड इनसोल्युबल होंगे। क्लियर? समझ में आ गया कि नॉन इनवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है। तो सारे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, VP1, VP2, VP3, VP4 यहाँ पर देख सकते हो, VP1 era, VP2 era, VP3 era एंड VP4 era। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, हमने बताया आपको, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पिकोरोना वायरस है, पिकोरोना वायरस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? पिकोरोना वायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पिकोरोना वायरस पिकोरोना वायरिडी फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो फैमिली के नीचे भी सब कैटेगरी आती है जेनेरा। ठीक है, तो इस फैमिली के अंदर, पिकोरोना वायरिडी फैमिली के अंदर कौन कौन से जेनेरा होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन से जीनस होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर गाइस, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर? अब हम बात करें जेनेरा। ठीक है, पिकोरोना वायरस के क्या कौन कौन से जेनेरा होते हैं पिकोरोना वायरिडी फैमिली के? तो इसके अंदर, पिकोरोना वायरिडी फैमिली के अंदर जीनस एंटेरोवायरस, पहला कौन सा नाम है? जीनस एंटेरोवायरस। ठीक है, एंटेरोवायरस जीनस है। सेकंड है राइनोवायरस जीनस है। थर्ड है हेपेटोवायरस एंड फोर्थ है पेरेकोवायरस। ये चार चीजें आपको, ये चार जेनेरा आपको ध्यान में रखने हैं पिकोरोना वायरिडी फैमिली के अंदर। अब जीनस एंटेरोवायरस के अंदर कौन कौन से सीरोटाइप होंगे? इसके अंदर 110 सीरोटाइप होते हैं। कितने होते हैं? 110 सीरो टाइप होते हैं। इनमें, इन जो एंटेरोवायरस है, इस जीनस के अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। अब आपने पढ़ा होगा पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या है? एक पिकोरोना वायरस है। क्या बोलोगे? एक पिकोरोना वायरस है जो जीनस एंटेरोवायरस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, तो पोलियो का क्लासिफिकेशन क्या होगा कि ये जीनस एंटेरोवायरस है में इन्वॉल्व होता है और फैमिली क्या है? पिकोरोना वायरिडी। क्लियर? पोलियो, कोक्सैकी वायरस, एंटेरोवायरस, ये सारे समझ में आ गया ना। अब ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हमें, तो हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि ये वायरस कौन सी कैटेगरी का है। क्लियर? तो हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए एकदम। ठीक, और इस जो जीनस है, ये एंटर वायरस, इसमें जो भी वायरस इन्वॉल्व होंगे वो स्टेबल होंगे वाइड पीएच ऑफ 3 से 10, मतलब 3 से 10 अगर पीएच है तो वो वहां तक स्टेबल होंगे। ठीक है, वो जिंदा रह सकते हैं 3 से 10 पीएच के अंदर, मतलब एसिडिक एनवायरमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करें गाइस, अब हम बात करें जीनस राइनो वायरस की। राइनो वायरस में 150 से ज्यादा सीरोटाइप होते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होता है पीएच लेस देन 6।
पीएच लेस देन 6 में ये अनस्टेबल होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, अब हम बात करेंगे इस हेपेटोवायरस की। ठीक है, हेपेटोवायरस में क्या होता है? हेपेटोवायरस एक जीनस है। ठीक, हेपेटोवायरस इसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट है पैरिकोवायरस, इसके अंदर 16 सीरोटाइप्स होंगी। ये आप बात आपको ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पोलियो कौन से जीनस के अंदर आता है? एंटरोवायरस के अंदर। ठीक है, और एंटरोवायरस कौन सी फैमिली के अंदर आता है? पिकोरा वायरिडी फैमिली के अंदर। तो और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस क्या है एंटरोवायरस राइनोवायरस में? ये अनस्टेबल होता है राइनोवायरस, पीएच लेस देन 6, जबकि ये स्टेबल होता है 3 से 10 पीएच में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कल्चर। पिकोरा वायरस है, उसका कल्चर कैसे करें? तो प्राइमेट सेल लाइन, सेल लाइंस क्या होती है? सेल्स होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जहां पर हम वायरस को ग्रो कर सकते हैं। वायरस क्या है? वायरस सेल्स के अंदर ही ग्रो करता है, आपको पता है। तो प्राइमेट सेल लाइन में प्राइमेट्स की सेल हम यूज में लेते हैं, जैसे प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन होगी। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियोजेनिक फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन होगी। तो ये इनके अंदर हम इन वायरसेस को ग्रो कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन कैसे होता है? गाइस, ह्यूमंस जो है, ये ह्यूमन है, ये इसका रिजर्वोयर होता है। ये वायरस ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ह्यूमन। ये वायरस इन उन ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन ने रिजर्वोयर है इन वायरस के इन्फेक्शन का, पिकोरा वायरस के इन्फेक्शन का। एक ह्यूमन कौन है? रिजर्वोयर है। ठीक है, अब फैल सकता है स्टूल से, फैल सकता है स्टूल से, फैल सकता है नेजल, आपके नाक से फैल सकता है, फेरेंजियल सिक्रेशन, आपकी कफ वगैरह है, इन सब से फैल सकता है। मान लो ये एक ह्यूमन है, दिस वन इज ह्यूमन एंड दिस वन इज आल्सो एक ह्यूमन। ये ह्यूमन है, ये इन्फेक्टेड है पिकोरोना वायरस से। तो अगर ये खांसेगा तो भी इसके इन्फेक्शन हो सकता है। अगर स्टूल करेगा, बाहर फिकल मैटर डालेगा, तो उस फिकल मैटर से भी इस हेल्दी में इन्फेक्शन हो सकता है। ये हेल्दी है जबकि ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो खांसेगा तब इसके अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, अगर स्टूल करेगा तो जा सकता है, फेरेंजियल सिक्रीशन से जा सकता है, नोजी आ रही है तो उससे भी जा सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जा सकता है कि अगर ये इसको छू ले उससे भी जा सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट हमने बता दिया, फोमाइट से जा सकता है, मतलब यहाँ एक मक्खी आ गई, ये मक्खी आ गई, ये इस मक्खी ने इसको टच किया, फिर ये मक्खी उड़ के इधर चली गई, इससे भी हो सकता है। फिकोरल रूट मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में। हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, एंटरोवायरस के अंदर पोलियो वायरस, कोक्सेकी वायरस आते हैं। तो पोलियो वायरस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पोलियो वायरस समझ में आया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है? पोलियो वायरस क्या है? वो एंटेरोवायरस जीनस से बिलोंग करता है, और पिकोरोना वायरस है, पिकोरोना वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो पोलियो वायरस का बेसिक हमें आ गया, हम पोलियो वायरस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पिकोरोना वायरस का ओवरव्यू होना याद हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया गया है। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। और हमें नोट्स चाहिए, अगर सिंपल नोट्स चाहिए तो अनुराग सैनी MBBS यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।